चार का चौका की बारी है भाई, और एक्सपर्ट्स आई एम श्योर रेडी हो चुके हैं अब तक। तो डायरेक्टर साहब, सबसे पहले पालिया साहब को रखिए स्क्रीन पे और अब जान लिया जाए आज का बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आई गया। पालिया साहब कौन सा? ऑयल एंड गैस सेक्टर पे फोकस है और उसमें गेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में डेली सेटअप पे देखे तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी होते हुए दिखा है, और यहाँ पे डेटा भी देखे तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, और करंट वीक का जो क्लोज है ये काफी इंटरेस्टिंग बार यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 210 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये गेल का मोमेंटम 220 की तरफ बढ़ते हुए दिखा गया। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 210 के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, वो आना चाहिए करीब 12 रुपए की तरफ ये कॉल ऑप्शन बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3.50 रुपए के आसपास। ओके गिल, इसका एक्रम में ये आई थिंक दूसरी बार कॉल जा रही है, सुबह भी इनिशियली कॉल गई थी, अब स्कीम पे आपके दोबारा कॉल है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड आज का एफ एन सुपरस्टार? राजेश सतपुते जी आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या सॉरी, देखिए वीरेन जी, दीपक नाइट्रेट जिसका आपने अभी जिक्र किया था, मुझे लगता है वहीं पे एक ट्रेड बन रहा है, और जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है मुझे लगता है इसका टारगेट होना चाहिए 2580 से लेके 2600। सो दीपक नाइट्रेट, यस इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2490 का। दीपक नाइट्राइट 2490 के एसएल के साथ तेजी करने का मन, चार्ट का चमत्कार। जतिन, कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई करा है? देखिए चार्ट का चमत्कार में के लिए मारुति सुजुकी सजेस्ट करना चाहूंगा। पिछले 1 से 1.5 महीने में ये एक नैरोइंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, मेरे को लगता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न डेली चार्ट पे बन गया है, और आई थिंक अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें एक ब्रेकआउट इसमें देखने मिल सकता है जो एक ऑल टाइम हाई की तरफ या तो 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। इसके लिए 12,400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड रहेगा, टारगेट 13,000-13,130 के रहेंगे। ओके, आपका ट्रेड मारुति है 1260 पे, और अब चलते हैं मिड कैप फंड के लिए आस्था जी के पास। आस्था जी क्या पिक कर रही हैं आप? देखिए नैम इंडिया निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी पसंद आती है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सबसे पहले टारगेट्स की बात करें तो 650 का लक्ष्य रहेगा। कंपनी की बात करें तो बढ़िया रिजल्ट्स कंपनी ने दिखाए हैं, उसके अलावा जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन या इंडियन मार्केट्स में अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू डेवलप मार्केट, तो कंपनी के लिए काफी बड़ा स्कोप है यहाँ पे डेवलप होने के लिए। दूसरी तरफ इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है, स्पेशली जो इनके B30 सिटीज के AUM में ग्रोथ आई है वो बहुत अच्छी खासी है, 19.5% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ है। सिप में भी काफी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो स्लो मूवर है, हो सकता है टारगेट को आने में समय लगे, बट लगता है कि इसमें 650 के लक्ष्य हमें मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी को खरीदारी करने की समय। सस्ता ऑप्शन था पालव्या साहब की तरफ से गेल, हम 210 का कॉल लेके बैठे हैं। मेरे ख्याल से 6.10 रुपए पे स्क्रीन पे आया, 630 पे आ गया है, 3.5 का एसएल है और 12 के लक्ष्य है। आफेनो सुपरस्टार सतपुते साहब ने दीपक नाइट्राइट चुना है, 2490 का एसएल है और 2580-2600 तक के लक्ष्य। जतिन कह रहे हैं चार्ट का चमत्कार के तौर पे मारुति सुजुकी, 12,400 का स्टॉप लगाइए, ये 52 वीक हाईज ऑल टाइम हाईज उस ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है, तो 13,000-13,130 ये है हमारे इवेंचुअल टारगेट्स। आज तक कह रही है नैम इंडिया यानी कि निप्पॉन लाइफ इंडिया पसंद आ रहा है, 650 तक के पोजिशनल टारगेट्स इस स्टॉक में रख सकते हैं आप। चलिए इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस की बारी।